क्या दोस्तों आप सब के फोन पे भी एड्स आती है? जब भी आप अपने फोन को यूज करते हो, जैसे डेटा ऑन करते हो, आपके फोन पे एड्स की बारिश होने लगती है। तो आज इस बारिश को पूरा बंद करने वाले हम, पूरा इंद्र भगवान से जो है वो पूरा कॉन्टेक्ट करके आए हैं, पूरा मसला जो है सॉल्व करके आए हैं और आपकी एड्स पूरी तरीके से बंद करवा देंगे, फोन की एड्स भी बंद करवा देंगे और वेबसाइट्स की भी जो एड्स बंद करवा देंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहना और अभी तक वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो जल्दी से कर दो। एड्स बंद करने से पहले सबसे पहले ये जान लीजिए कि एड्स आपके फोन पे क्यों आती है। अब सबसे पहले क्या होता था कि जब भी पहले पुराने फोन लॉन्च हुआ करते थे तो लोग उसको खरीदते थे, मजे से यूज करते थे, तो कंपनी जो है फोन से रेवेन्यू जनरेट करती थी। बट अब कंपनियां क्या कर रही है, बहुत ज्यादा चलाक हो चुकी है और जब भी कोई नया फोन बना रही है तो उसमें दो ऑप्शन जो ऑटोमेटिक ऑन करके दे रही हैं, जिसे आपको ऑफ करना चाहिए, जो कि वीडियो में आगे बताने वाला हूं, जिससे आपके फोन पे एड्स आती है, वेबसाइट्स पे एड्स आती है, जिसका रिवेन्यू जो कंपनी को मिलता है। तो अब आप सब लोगों को बताता हूं कि कैसे आप सब लोगों उन एड्स को बंद कर सकते हो। तो बिना किसी तरीके बढ़ते हैं मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर। तो जो कोई एड्स होती है वो कई फोन में अलग अलग तरीके से आती है, अलग अलग ऑप्शन से आती है। अगर आपके फोन में ऑप्शन अवेलेबल है तभी आप सब लोग अपनी एड्स को बंद कर सकते हैं। सबसे पहले आप सब लोगों को मैं अपने फोन का नाम बता देता हूं। मेरे फोन का नाम है Redmi Note 11 SE। अब इसमें आपको बंद करके दिखाने वाला हूं। अगर सेम फीचर्स आप सब लोग के फोन में भी हैं तो आप सब लोग भी एड्स बंद कर सकते हो। सबसे पहले आपको क्या करना है, सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अगर आपके फोन में सर्च बार है तो वहाँ पे आप सर्च कर सकते हो। बाकी आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे कहीं पे भी अपनी सेटिंग्स देख लेना। DNS सर्च करने के बाद आपको जो पहले जो टॉप नंबर है प्राइवेट DNS पे क्लिक कर देना है। प्राइवेट DNS पे क्लिक करने के बाद आपका ऑफ होगा, आप लोगों के सामने ये ऑफ होगा, इसको ऑन कर देना है। वहाँ पे ये सब कुछ टाइप कर देना है जो आप लोगों के सामने है, इसको आपको टाइप कर देना है एंड टाइप करने के बाद आपको सेव पे क्लिक कर देना है। अब इससे क्या होगा, जो कोई भी आपकी जो प्राइवेट एड होगी वो आपके फोन पे नहीं आएगी, ना ही आपकी किसी वेबसाइट पे आएगी। एंड सेकंड तरीका, अब इसको पूरा परमानेंटली कैसे है जो डिसेबल करना है, तो आपको क्या करना है, एड्स जो यहाँ पे एड लिख देना है। एड लिखने के बाद वो कुछ ऐसे इंटरफेस आएगा, आपको लास्ट में एक ऑप्शन मिलेगा पर्सनलाइज एड रिकमेंडेशन। अब इसमें क्या होता है भाई लोगों, अब इससे जो है आपके फ़ोन पे एड्स आते हैं, यानी कि आपके डिस्प्ले पे एड्स शो होती हैं, जिससे का कंपनी को रिवेन्यू मिलता है। अब आपको रिवेन्यू नहीं देना है, आपको सीधा सीधा इस ऑप्शन को बंद कर देना है। बंद करने के बाद आपको बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद अगर आपकी जो फ़ोन है इसमें दोनों ये सेटिंग्स हैं, आपके फ़ोन में दोनों ये सेटिंग्स हैं, तो आपको इनको ऑफ कर, इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो वीडियो का एंड करते हैं।